मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे पूजा के समय में उबासी आना और नकारात्मक विचार आना, ऐसा क्यों होता है? शुरुआती दौर में जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो ये चीज़ें शुरुआती दौर में साफ सफाई होती है ना, शरीर जब हम मन भगवान में लगाते हैं तो हमारे मन की गंदगी निकलती है, ये सब मन की गंदगी है भाई। कपड़े में आप साबुन लगाएंगे तो गंदा तो निकलेगा, तो जब आप अच्छी चीज़ें करते हैं, सत्संग, भगवान का चिंतन, तो मन से जितनी गंदगी जमी, परत की परत जमी रहती है, उसी तरह ये गंदगी निकलना है। मन में कथा पूजा में बैठे हैं, जमाई आ रही है, उबासी, कभी नींद आने लग जाती है, कभी गंदे गंदे बहुत गंदे विचार आते हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि वो परत अब निकलेंगी। चिंतन बनाए रखिएगा, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। कुछ दिनों की होती हैं, अधिक से अधिक महीने दो महीने की चीजें होंगी ये, पर कंटिन्यू रखेंगे तो अच्छा लगेगा।